Hello students, I am going to start with the new chapter from the 9th standard, that is financial planning. So it is the 6th chapter. In previous lecture we see the linear equation in two variables. So today we are going to start with the new chapter, that is financial planning. तो financial planning के बारे में आपको पता होगा, हर एक के घर में तो वो चलता ही रहता है. इसके बारे में आपकी मम्मी भी आपको बहुत बता सकती है. तो कोई भी इन्वेस्टर, जो अगर हम उसका डेफिनेशन हम पहले देखते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन. सो एवरी इन्वेस्टर स्पेंड्स अ सर्टन अमाउंट टू मीट द प्राइमरी नेसेसिटीज एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट व्हिच इज़ केयरफुली कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल प्लानिंग. तो इन्वेस्टर के बारे में ही हम बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. हम घर में भी देखते हैं कि कोई भी सैलरी होने के बाद जब मम्मी के पास आपके डैडी पैसा देते हैं तो वो क्या करती है कि जो भी नेसेसिटीज़ है उस मंथ की, कोई भी होगा, कुछ उसको वो बाज़ार से कुछ सामान लाना होगा, थोड़े वेजिटेबल्स के लिए वो पैसे, सो जो भी नेसेसिटीज़ है वो करने के बाद थोड़ा बहुत जो अमाउंट उसके पास जो बचता है वो क्या करती है, थोड़ा सा सेविंग के लिए रखती है. उसका कुछ सेविंग अकाउंट होगा तो उसमें वो डालती है, अदरवाइज़ कहाँ पर भी तो उसको इन्वेस्ट करती है. और इसके जो प्लानिंग है, पोस्ट का भी रहता है, आरडी का अकाउंट रहता है, कोई भी ऐसा जो है कि वहाँ पर उसको वो पैसे क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है. तो ये सब जो वो करती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है हम बोलते हैं. तो सेविंग्स जो रहते हैं, दैट इज़ द मनी आफ्टर स्पेंडिंग ऑन नेसेसिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट, एवरीवन सेव मनीज फॉर द फ्यूचर प्रोविजन इज कॉल्ड एज द सेविंग. तो आपको सेविंग के बारे में भी वो पता होगा. तो जो ये सेविंग है तो क्या करते हैं हम उसका, तो टू कीप सेविंग सेफ एंड फॉर इट टू ग्रो वी कीप इट एज अ फिक्स डिपॉजिट और बाय इमूवेबल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट. तो जो भी पैसे हम सेव करते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा ऐसा पहले से ही सोच के रखते हैं कि नहीं, अभी हमें थोड़ा सा बड़ा वाला टीवी लेना है, क्योंकि हमें घर लेना है, घर के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारा. और अगर ये नहीं लेना है तो हम कुछ फिक्स अमाउंट जो है, फिक्स डिपॉजिट हम बोलते हैं, FD बोलते हैं, वो हम ऐसे बैंक में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं. तो मतलब हम कहीं ना कहीं तो हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं. इफ़ द मनी अर्न इज केप्ट इज एज इट इज़ विदाउट इन्वेस्टिंग इट्स वैल्यू डिमिनिशेस विद द टाइम. तो हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास ऐसे हम कंसिडर करें कि मेरे पास 10,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये मैंने क्या किया, नहीं मुझे किस में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, मैंने ऐसे के ऐसे रख दिए, तो क्या होगा बाद में उसका वैल्यू, जब हमने 10 साल 20 साल उसको रखेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है, वो ऐसे ही रहेगा, उसका वैल्यू कम होता है. अगर 10,000 मैंने किसी चीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया, सब समझ लो कि मैंने उसका FD निकाला, तो 5 साल में उसका FD से 10,000 का 15,000 हो सकता है. मतलब इन्वेस्ट करने से क्या हुआ, मुझे कोई ना कोई तो प्रॉफिट हो गया. तो अगर हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उसका वैल्यू कम होता है, डिमिनिश होता है बाय द टाइम, दैट इज इट्स परचेसिंग पावर क्या होती है, तो डिक्रीज होती है. तो फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि सपोज मैंने एक बुक लिया है कि जिसका प्राइस है समझो 20 रुपीज़ उसका सपोज प्राइस है एक नोटबुक का. तो उसी नोटबुक का कुछ साल के बाद उसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, 40 रुपीज़ होता है. मतलब उसका जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. द अमाउंट इन्वेस्टेड इफ यूज फॉर एक्सपांडिंग द बिजनेस टू स्टार्ट द इंडस्ट्री और अदर पर्पज इट्स वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस. मैंने ऐसे कुछ सोच लिया कि जो अरे मेरे पास 10,000 रुपये तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ एक मेरा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ. तो उस बिजनेस से भी वो जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए वो इंक्रीज हो सकते हैं. मतलब इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बढ़ जाता है लेकिन जो भी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए. मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ में ऐसे इन्वेस्ट किया तो उसको लॉस भी हो सकता है. तो थोड़ा सा ध्यान सावधानी रखने से हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी है. तो हम कैसे कैसे कहाँ किस जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इट इज़ सेफ टू इन्वेस्ट मनी इन इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, पोस्टल डिपार्टमेंट्स. सो हमें बैंक में या पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी है उसमें हम
जो पैसा है वो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारा पैसा सेफ रहता है। देर इज़ अ सर्टन रिस्क इन इन्वेस्टिंग मनी इन द शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क मतलब कभी कभी हमने अगर 10,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किया है तो उसके 10 के 20 भी होते हैं, लेकिन 10 के 1,000 भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको वो जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए। आफ्टर दैट द मनी इन्वेस्टेड इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस और इंडस्ट्री। इफ लॉस ऑकर्स द इन्वेस्टर सफर्स द लॉस एंड इफ प्रॉफिट इज मेड द मनी सेफ एंड द इन्वेस्टर मे अर्न डिविडेंड ऑल्सो। देन इट इज पॉसिबल टू मेक अ बिग गेन्स बाय टेकिंग द ग्रेटर रिस्क। सो हाउएवर इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द ग्रेटर रिस्क कैन ऑल्सो लीड टू ग्रेटर लॉस। हमने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं तो उसमें बड़ा लॉस होने की भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो सब एग्जांपल्स है वो हमने हमें इस चैप्टर में हमें देखने हैं। तो वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6.1। सी द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव्स 120। मतलब अलका को जो भी पैसे मिलते हैं मंथली तो क्या करती है, 90% जो है वो खर्च करती है, स्पेंड्स 90%, एंड जो बाकी के बचे हुए हैं तो उसमें जो बाकी है दैट इज़ 120 रुपीज़ उसको वो सेव करती है। सो हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो उसको मंथली कितना पैसा मिलता है, उसको कितना पैसा मिलता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो सेव कितना करती है वो हमें पता है, दैट इज़ 120 रुपीज़ वो सेव करती है और 90% वो खर्च करती है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि अलका जो है उसको ₹1 मंथली मिलते हैं, तो जो वो खर्च करती है पैसे वो हम निकालते हैं, वो जो अमाउंट स्पेंड करती है वो हम कैसे निकालेंगे, जो उसको मिलते हैं उसके 90% वो खर्च करती है। कितने मिलते हैं उसको, एक्स मिलते हैं, एक्स में से 90% वो खर्च करती है, तो 90% ऑफ एक्स, उसका मतलब क्या है, जो एक्स है उसका 90% वो खर्च करती है। तो 90% का मतलब क्या है, 90/100 इंटू एक्स, तो वो कितना हुआ, 0 0 कैंसिल, सो 0.9x। मतलब वो जो पैसा खर्च करिए वो कितना है, 0.9x करिए। तो हमें क्या पता है कि सेविंग जो है, हम सेविंग किसको बोलते हैं, हमारे पास जो पैसा आता है उसमें से हम खर्च करके जो बाकी रहता है उसको हम सेविंग बोलते हैं। तो सेविंग का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे करेंगे, दैट इज़ सेविंग, जितना पैसा हमारे पास आता है उसका हम जो खर्च करते हैं उससे हम माइनस करेंगे, जो पैसा मुझे मिला है उससे से मैंने थोड़ा खर्च किया, बाकी बचा वो सेविंग। तो सेविंग इज इक्वल टू मंथली अमाउंट माइनस अमाउंट स्पेंट, स्पेंट मतलब जो खर्च किया है, मंथली अमाउंट में से खर्च किया जो बाकी बचा वो क्या है, सेविंग। तो सेविंग कितना है हमें पता है, दैट इज़ 120 रुपीज़। मंथली इनकम क्या है उसका, एक्स है, एंड कितना खर्च किया है, 0.9x उसको ने खर्च किया है, तो 1 - 0.9 उसका आंसर आता है 0.1x, मैंने इसके वजह यहाँ पे लिखा है, और 120 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 120/0.1, तो ये पॉइंट हटा के, ये पॉइंट के बाद वन डिजिट है वो उतना ही जीरो हम ऊपर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1200। मतलब अलका गेट्स 1200 रुपीज़ मंथली, मतलब उसका जो मंथली सैलरी है वो क्या है, 1200 है। तो 1200 में से 120 रुपीज़ वो सेव करती है, बाकी का सब वो खर्च करती है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर सेकंड। सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। मतलब जो सुमित है उसने, बोरो का मतलब है जो हम दूसरे से पैसे मांग के लाते हैं, तो उसने क्या किया है, थोड़े से किसी से मांग के लिए है पैसे, कितना लिया है, 50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। उसको जो फूड प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए उसे कुछ तो कैपिटल चाहिए, भांडवल चाहिए, तो वो उसने किसी से बोरो किया है, किसी से लिया है, कितना लिया है, 50,000 लिया है। तो इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। पहले ही साल में उसको 20% का लॉस हुआ है, एंड ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस। तो उसको 20% लॉस हुआ, तो 20% लॉस निकाल के जो पैसे बचे हैं उसे उसने क्या किया, नया बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज़ स्वीट का बिजनेस स्टार्ट किया, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। और उसने उसको
वहाँ पे उसको 55% का प्रॉफिट हुआ है. सो हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल ओरिजिनल कैपिटल. तो उसका जो ओरिजिनल कैपिटल है उसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम लिखेंगे वन स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं. सी द स्टेप्स हाउ वी कैन राइट द एग्जाम्पल. सो इनिशियल कैपिटल बोरोड बाय सुमित इज 50,000 रुपीज़. आपको ऐसे वन बाय वन करके नंबर डाल के लिखना है. जो उसने बोरो किए थे पैसे वो कितना था 50,000 रुपीज़ था. तो उसको फर्स्ट ईयर में ही कितना लॉस आया 20% का लॉस आया. 20% किस में से 20% इस 50,000 जो उन्होंने लिया था उसका 20% उसका लॉस हो गया. सो लॉस सफर्ड इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 20% ऑफ द 50,000. ये जो 50,000 उसने मांग के लाए थे उसमें से उसको 20% का लॉस हुआ. मतलब उसको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ. तो हम कैसे निकालेंगे 20/100 × 50,000. तो ये 0 0 कैंसिल हुआ. सो उसको 10,000 रुपीज़ का क्या हुआ लॉस हुआ. मतलब अभी उसका उसके पास कितना पैसा है. तो हम क्या करेंगे रिमेनिंग कैपिटल हम निकालेंगे. टोटल कैपिटल में से हमने लॉस हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो टोटल कैपिटल उसके पास कितना था 50,000. उसमें से लॉस कितना हुआ 10,000. वो हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 40,000 रुपीज़ का जो कैपिटल है वो उसके पास अभी बाकी है. मतलब उसके पास अभी इतना बाकी है. तो इससे उसने क्या किया एक स्वीट का बिजनेस चालू किया. उसमें से उसको 5% का प्रॉफिट हुआ. मतलब प्रॉफिट इन स्वीट बिजनेस वो प्रॉफिट जो है वो कितने पैसे के ऊपर प्रॉफिट है इतने पैसे पर. तो 40,000 का 5% हमें निकालना है. तो 5% × 40,000 सो 5/100 × 40,000 तो 2,000 का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ. तो अभी हमें निकालना है. सो द अमाउंट विद द सुमित आफ्टर 2 ईयर्स. तो उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है. मतलब अभी 40,000 थे वो कितने हो गए अभी 42 हो गए. ये उसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है. सो 42,000 + 2,000 तो उसका जो अमाउंट है उसके पास अभी बैलेंस वो कितना होगा 42,000 उसका बैलेंस है. तो टोटल लॉस ऑन ओरिजिनल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे. तो इसके उसके पास वो 50,000 में से उसके पास अभी कितने बचे हैं 42 बचे हैं. तो 50,000 − 42 तो 8,000 जो है उसका टोटल लॉस हुआ है. सो द परसेंटेज ऑफ लॉस भी हमें निकालना है. तो 8,000/50,000 जो उसके पास टोटल अमाउंट थी × 100 सो ये कैलकुलेट करके हमें मिला 16 दैट इज 16%. एंड सो द सुमित सफर्ड अ लॉस ऑफ 16% ऑन द ओरिजिनल कैपिटल. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.